नमस्ते और ओम शांति। आपको 319वें दिन के ईश्वर वरदान में आपको स्वागत है। आज के बाबा परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमें सिर्फ अपने ही परिवार, अपने ही दोस्तों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर के उनकी सेवा करनी है और उनको ऊपर उठाना है। तो सच्ची सेवा क्या है? क्या वो सिर्फ धन की सेवा है? क्या वो सिर्फ कपड़े देने की सेवा है? क्या वो सिर्फ खान पान देने की सेवा है या बांटने की सेवा है, कि उससे भी कुछ ऊँची सेवा सकती है? उसको अब हम एक्सप्लोर करेंगे इसमें। बाबा कहते क्या है? बाबा कहते हैं साकार बाप समान, निराकार परमपिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, वो एक ऊर्जा है, वो कभी शरीर में पैदा नहीं होते हैं, लेकिन साकार बाप मतलब एडम या ब्रह्मा कहें, वो उनकी पहली रचना उनकी ही तरीके से बनाई गई। तो परमपिता परमात्मा का पहला बच्चा कैसा होगा? क्या वो विकारी होगा? क्या उसके अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत होगी, कि वो बिल्कुल पवित्र होगा? तो परमात्मा चाहते हैं कि हम भी उनकी पहली रचना, जिनको ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, उनके समान बने। तो साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। विस्तार में चलते हैं। जैसे साकार बाप ने, जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे कि मैं ही आधार हूँ, मैं ही फाउंडेशन हूँ। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। तो वैसे ही अगर मैं फाउंडेशन हूँ अपनी फैमिली का, अगर मैं माता हूँ या पिता हूँ, अगर मैं ही फाउंडेशन हूँ, हम बच्चे हैं, तो अगर हम ही फाउंडेशन है फैमिली का, तो अगर हमारे अंदर विकार होंगे तो सारी फैमिली में डिस्टर्बेंस होगी। सिर्फ फैमिली में नहीं, सारे संसार में डिस्टर्बेंस आज इसी कारण से। तो हर फैमिली अगर ठीक हो जाए, आधार मूर्त समझ ले अपने आप को और उद्धार मूर्त समझ ले कि मुझको अपने आप को परिवर्तन करके और का परिवर्तन करना है, तो परमात्मा कहते हैं तो फिर बहुत ऊंचा कर्म करेंगे आप। किसके जैसे? ब्रह्मा बाप जैसे, जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं। बात तो बहुत बड़ी लगती है, मैं कैसे विश्व को परिवर्तन कर लूं? परमात्मा कहते हैं पहले अपने आप को तो परिवर्तन करो। जब अपने आप को परिवर्तन करेंगे तो आपको देख करके और लोग भी चाहेंगे, करने की इच्छा रखेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर ही, आपके अंदर परिवर्तन नहीं है, इच्छाएं बहुत हैं, डिजायर्स बहुत हैं, अहंकार है, ईर्ष्या, घृणा है, नफरत है, तो फिर बाकियों के लिए आप आधार मूर्त नहीं बन सकते। फिर बाबा कहते हैं कि अपना उनका हर कर्म ऊंचा होता है, जो क्या बनते हैं, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनते हैं। उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि, वृत्ति मतलब एटीट्यूड और दृष्टि देखने के तरीके में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है, यानी कि मेरा तेरा में आ गए, किसी ने कुछ कह दिया तो हम बहुत ही उथल उथल आ गई हमारे मन में, हम बहुत ही ऊंच नीच के संकल्प करने शुरू कर दिए हैं, हमें घृणा आनी शुरू हो गई, वो फिर किसी का उद्धार नहीं कर पाएंगी आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसके लिए क्या है, सहन शक्ति भी चाहिए। तो वो कैसे आती है? मेडिटेशन से आती है और ज्ञान से आती है, ज्ञान को धारण करने से, अपनाने से, कबूल करने से। ऐसे श्रेष्ठ कर्म की कर्म ही यादगार बनते हैं। तो करना कैसे है, आपके अंदर ताकत कैसे आए? कोई अगर आप कुछ को आपको कुछ कहे बुरा भला, तो भी आप कैसे एक समान रहें, उसके लिए आपको मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्म कुमारी इस गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान दिया जाता है, जिसके आधार पर मेडिटेशन करते हैं, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तब जा करके आप स्टेबलाइज होंगे, आप परिवर्तन होंगे और सारे संसार को आप परिवर्तन कर पाएंगे। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान अगर आपको पसंद आया और इसको आप और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप ब्रह्म कुमारी इस गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जाकर के इसको और विस्तार में सीख सकते हैं। आपको दिन शुभ हो। ओम शांति।